मेक माई ट्रिप ग्रुप की कंपनी रेड बस के बाद अब रेड बस के द्वारा यहाँ पे रेड रेल नामक एक एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है और यहाँ पे आप लोग इजीली टिकट बुक कर सकते हो और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे टिकट बुक करने का और यहाँ पे आप लोग इजीली कंफर्म टिकट ले सकते हो। और क्या क्या इसका प्रोसेस होते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे अपना PNR स्टेटस देखेंगे, कैसे यहाँ पे टिकट करेंगे, कैसे लाइव स्टेटस देखेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं जहाँ पे आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हो, कैशबैक ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम लोग इसे यूज करेंगे और कैसे यहाँ पे टिकट बुक करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। एप्लीकेशन को ओपन करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माय अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे आप लोग लॉगिन या साइन अप करोगे। अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप लोग इसका यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होता है, उसके बाद OTP देके वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। इतने करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक OTP आएगा आपके नंबर पे और यहाँ पे फिर आप लोग देख सकते हो अगर इसी नंबर में इसी फ़ोन में आपका नंबर है तो इजीली ये सब कुछ ले लेता है। अब यहाँ पे लॉगिन हो गया है सब कुछ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है होम का और माई बुकिंग का। होम वाले ऑप्शन से आप लोग सब कुछ कर सकते हो, माई बुकिंग में जो भी आप लोग बुकिंग करते हो वो सब आपको दिखेगा, अपकमिंग, कम्प्लीट, कैंसिल जो भी है यहाँ पर सब देख सकते हो। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर टिकट करना हो, जैसे यहाँ पर मुंबई हो गया और फिर मुंबई से अगर आपको यहाँ पे दिल्ली का टिकट करना हो तो फिर आप लोग यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा डेट, मान लीजिए कि आपको 14 अप्रैल को या डे आफ्टर को यहाँ पे जो भी हो आप लोगों को उस डेट पे टिकट करना हो। तो इतना करने के बाद आप लोग सर्च ट्रेन पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोग IRCTC अथोराइज पार्टनर भी है तो आपको बहुत ही ईजी भी होने वाला है और सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो जितना भी ट्रेनें हैं सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको शो हो जाती है और फिर आप लोग उस हिसाब से यहाँ पर टिकट ले सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब जितना में जो भी वेटिंग है सब कुछ शो कर रहा है और जिसमें तत्काल हो सकता है वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप लोग उस हिसाब से देख के यहाँ पे जो भी टिकट बुक करना चाहते हो कर सकते हो। मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे थर्ड AC में टिकट बुक करना हो तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और ओके गो अहेड पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 16 वेटिंग है। अब आपको अपना IRCTC जो यूज़र नेम है उसको यहाँ पे डाल देना है और डालने के बाद आप लोगों को IRCTC से यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे और फिर यहाँ पे आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र नेम जो भी अपना है यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो यूज़र नेम है डाल दिया है और जब आप लोग टिकट बुक करोगे तो एक पासवर्ड या फिर आपके SMS पे या ईमेल पे जाता है, आपको डाल के यहाँ पे बुकिंग कंफर्म करना होता है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो डिस्काउंट वाले ऑफ़र हैं वो मिल जाते हैं, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे एक कोड दिया गया है जो लव रेल करके है और यहाँ पे आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हो और यहाँ पे सर्विस फ्री आपको मिलेगा और पेमेंट गेटवे का भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नेम ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग पैसेंजर नाम जो भी है आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके नीचे आपको एज देता है उसको भी आप लोग डाल सकते हो कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग मेल फीमेल जो भी है आप लोग चेक कर डाल सकते हो यहाँ पे अपना जेंडर और यहाँ पे जो आप लोग प्रेफर करते हो, जो भी आपको लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर, साइड अपर जो भी लेना हो आप लोग इजीली ले सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अगर सीनियर सिटीजन में आते हैं तो I want कंसेशन पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज I don't want कंसेशन पे क्लिक रहता है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है पैसेंजर ऐड हो जाता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लोअर बर्थ मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो भी यहाँ पे एज है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको बस ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पैसेंजर जो है ऐड हो गया है। उसके बाद एडिशनल प्रेफरेंस है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल होता है, उसके बाद डेस्टिनेशन जो एड्रेस है वो डाल देना होता है, यहाँ पर आप लोग जो भी पिन कोड है डाल देते हो अपना, तो यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करके जो पेमेंट है आपको कर देना होता है और यहाँ पर डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे करके आप लोग ईजिली यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। उसके बाद
इसका नया फीचर जो आता है आपका पीएनआर स्टेटस का, तो पीएनआर स्टेटस में आपको बस यहाँ पे अपना 10 डिजिट का पीएनआर नंबर जो है इंटर कर देना होता है। उसके बाद चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे तो इजीली आप लोग अपना ट्रेन के बारे में सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव स्टेटस करके शो करता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी ट्रेन का नंबर हो, जो भी ट्रेन नेम हो, उसके हिसाब से आप लोग इसे चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों को पूर्वांचल का करना है तो आप लोग उसे भी कर सकते हो ईजिली। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। स्पॉट द ट्रेन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि ट्रेन का स्टार्टिंग डेट क्या है, ट्रेन का टाइम क्या है और ट्रेन अभी कहाँ पे है। तो इस हिसाब से आप लोग इजीली सब कुछ देख पाओगे और सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया जाता है। तो ऐसे ही करके आप लोग इजीली यहाँ पे लाइव ट्रेन स्टेटस भी देख सकते हो और फिर यहाँ पे आप लोग इसका इजीली यूज कर पाओगे और फिर जो भी टिकट हो आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग इजी इसका यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।